इसे देखकर फ्री का माल ले नहीं पाओगे। रास्ते में भटकती इस लड़की की चील जैसे निगाहें फ्री का माल सबको प्यारा शब्द लिखे इस शीशे पर पड़ जाती है। वो अब उसे उठा लेती है और घर ले आती है। घर लाकर सबसे पहले वो शीशे को एक कोना पकाती है। अब लड़की जैसे ही शीशे को देखती है वो खुश हो जाती है और सोचती है आज तो मैं हुस्न परी में जाने जहां लग रही हूँ। फिर वो टेबल पर पड़ी कंघी उठाती है और अपने बालों को झाड़ने लगती है। वो अपने बालों को झाड़ती रहती है और कुछ देर में रात हो जाती है। उसका फोन बजता है तो भी वो बाल झाड़ते जाती है और रात से सुबह हो जाती है। उसके फोन पर मैसेज आते रहते हैं और ऐसे ही एक और दिन बीत जाता है। रात के बाद वापस सुबह होती है और फिर रात होती है। अब लड़की की माँ वहाँ आ जाती है और उसे बोलती है अरे तुम अभी तक जीवित हो। लड़की कोई जवाब नहीं देती है तो माँ शीशे पर एक कपड़ा फेंक कर मारती है जिससे फ्री के माल पर से लड़की का ध्यान हटता है। तो वो बोलती है आप तो दो दिन बाद आने वाली थी। माँ बोलती है मैं समय पर ही आई हूँ और तभी शीशे से कपड़ा हट जाता है जिससे दोनों उसे साथ देखने लगते हैं। कुछ हफ्तों बाद भी दोनों वहीं बैठे थे लेकिन